हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है। इसके बारे में न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। हॉरर कॉमेडी फिल्म को बड़े संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं। हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म C2 ने टिकट खिड़की पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद दर्शकों को और एक फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म भूल भुलैया 3 की। भूल भुलैया 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद इसके तीसरे भाग का लंबे समय से इंतज़ार है। आनिस भजमी के निर्देशक में बनी यह फिल्म दिवाली पर सिनेमाघर में दस्तक देने वाली है, लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। फिल्म के टीज़र को मिले अपार समर्थन के बाद अब निर्माताओं ने भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जारी करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के ट्रेलर को 6 अक्टूबर को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यह ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया तो ओपनिंग डे पर भूल भुलैया 3 कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। फिल्म की टारकास्ट की बात करें तो इसमें कार्तिक आर्यन के अलावा तृप्ति डिमरी, विद्या बालन भी है। कयास लग रहा है कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित भी है। हालांकि न तो वह टीज़र में नज़र आई है और न ही निर्माताओं की तरफ से अब तक उनके नाम की आधिकारिक पुष्टि की गई है। भूल भुलैया 3 का बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेन से मुकाबला है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है। इसके बारे में न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। हॉरर कॉमेडी फिल्म को बड़े संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं। हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म C2 ने टिकट खिड़की पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद दर्शकों को और एक फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म भूल भुलैया 3 की। भूल भुलैया 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद इसके तीसरे भाग का लंबे समय से इंतज़ार है। आनिस भजमी के निर्देशक में बनी यह फिल्म दिवाली पर सिनेमाघर में दस्तक देने वाली है, लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। फिल्म के टीज़र को मिले अपार समर्थन के बाद अब निर्माताओं ने भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जारी करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के ट्रेलर को 6 अक्टूबर को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यह ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया तो ओपनिंग डे पर भूल भुलैया 3 कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। फिल्म की टारकास्ट की बात करें तो इसमें कार्तिक आर्यन के अलावा तृप्ति डिमरी, विद्या बालन भी है। कयास लग रहा है कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित भी है। हालांकि न तो वह टीज़र में नज़र आई है और न ही निर्माताओं की तरफ से अब तक उनके नाम की आधिकारिक पुष्टि की गई है। भूल भुलैया 3 का बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेन से मुकाबला है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है। इसके बारे में न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। हॉरर कॉमेडी फिल्म को बड़े संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं। हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म C2 ने टिकट खिड़की पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद दर्शकों को और एक फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म भूल भुलैया 3 की। भूल भुलैया 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद इसके तीसरे भाग का लंबे समय से इंतज़ार है। आनिस भजमी के निर्देशक में बनी यह फिल्म दिवाली पर सिनेमाघर में दस्तक देने वाली है, लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है।
फिल्म के टीजर को मिले अपार समर्थन के बाद अब निर्माताओं ने भूलभुलैया 3 का ट्रेलर जारी करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के ट्रेलर को 6 अक्टूबर को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यह ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया तो ओपनिंग डे पर भूलभुलैया 3 कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। फिल्म की टारकास्ट की बात करें तो इसमें कार्तिक आर्यन के अलावा तृप्ति डिमरी, विद्या बालन भी है। कयास लग रहा है कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित भी है। हालांकि न तो वह टीजर में नज़र आई है और न ही निर्माताओं की तरफ से अब तक उनके नाम की आधिकारिक पुष्टि की गई है। भूलभुलैया 3 का बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेंस्ट से मुकाबला है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हॉरर कॉमेडी फिल्म भूलभुलैया 3 का ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है। इसके बारे में न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। हॉरर कॉमेडी फिल्म को बड़े संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म C2 ने टिकट खिड़की पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद दर्शकों को और एक फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म भूलभुलैया 3 की। भूलभुलैया 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद इसके तीसरे भाग का लंबे समय से इंतज़ार है। अनीस भजमी के निर्देशक में बनी यह फिल्म दिवाली पर सिनेमाघर में दस्तक देने वाली है। लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। फिल्म के टीजर को मिले अपार समर्थन के बाद अब निर्माताओं ने भूलभुलैया 3 का ट्रेलर जारी करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के ट्रेलर को 6 अक्टूबर को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यह ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया तो ओपनिंग डे पर भूलभुलैया 3 कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। फिल्म की टारकास्ट की बात करें तो इसमें कार्तिक आर्यन के अलावा तृप्ति डिमरी, विद्या बालन भी है। कयास लग रहा है कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित भी है। हालांकि न तो वह टीजर में नज़र आई है और न ही निर्माताओं की तरफ से अब तक उनके नाम की आधिकारिक पुष्टि की गई है। भूलभुलैया 3 का बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेंस्ट से मुकाबला है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हॉरर कॉमेडी फिल्म भूलभुलैया 3 का ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है। इसके बारे में न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। हॉरर कॉमेडी फिल्म को बड़े संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म C2 ने टिकट खिड़की पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद दर्शकों को और एक फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म भूलभुलैया 3 की। भूलभुलैया 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद इसके तीसरे भाग का लंबे समय से इंतज़ार है। अनीस भजमी के निर्देशक में बनी यह फिल्म दिवाली पर सिनेमाघर में दस्तक देने वाली है। लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। फिल्म के टीजर को मिले अपार समर्थन के बाद अब निर्माताओं ने भूलभुलैया 3 का ट्रेलर जारी करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के ट्रेलर को 6 अक्टूबर को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यह ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया तो ओपनिंग डे पर भूलभुलैया 3 कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। फिल्म की टारकास्ट की बात करें तो इसमें कार्तिक आर्यन के अलावा तृप्ति डिमरी, विद्या बालन भी है। कयास लग रहा है कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित भी है। हालांकि न तो वह टीजर में नज़र आई है और न ही निर्माताओं की तरफ से अब तक उनके नाम की आधिकारिक पुष्टि की गई है। भूलभुलैया 3 का बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेंस्ट से मुकाबला है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में
हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया ट्री का ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है। इसके बारे में न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। हॉरर कॉमेडी फिल्म को बड़े संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सी टू ने टिकट खिड़की पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद दर्शकों को और एक फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म भूल भुलैया 3 की। भूल भुलैया 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद इसके तीसरे भाग का लंबे समय से इंतज़ार है। अनीस भजमी के निर्देशक में बनी यह फिल्म दिवाली पर सिनेमाघर में दस्तक देने वाली है, लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। फिल्म के टीज़र को मिले अपार समर्थन के बाद अब निर्माताओं ने भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जारी करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के ट्रेलर को 6 अक्टूबर को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यह ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया तो ओपनिंग डे पर भूल भुलैया 3 कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। फिल्म की टारकास्ट की बात करें तो इसमें कार्तिक आर्यन के अलावा तृप्ति डिमरी, विद्या बालन भी है। कयास लग रहा है कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित भी है। हालांकि न तो वह टीजर में नज़र आई है और न ही निर्माताओं की तरफ से अब तक उनके नाम की आधिकारिक पुष्टि की गई है। भूल भुलैया 3 का बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेन से मुकाबला है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है, इसके बारे में न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। हॉरर कॉमेडी फिल्म को बड़े संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सी टू ने टिकट खिड़की पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद दर्शकों को और एक फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म भूल भुलैया 3 की। भूल भुलैया 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद इसके तीसरे भाग का लंबे समय से इंतज़ार है। अनीस भजमी के निर्देशक में बनी यह फिल्म दिवाली पर सिनेमाघर में दस्तक देने वाली है, लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। फिल्म के टीज़र को मिले अपार समर्थन के बाद अब निर्माताओं ने भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जारी करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के ट्रेलर को 6 अक्टूबर को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यह ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया तो ओपनिंग डे पर भूल भुलैया 3 कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। फिल्म की टारकास्ट की बात करें तो इसमें कार्तिक आर्यन के अलावा तृप्ति डिमरी, विद्या बालन भी है। कयास लग रहा है कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित भी है। हालांकि न तो वह टीजर में नज़र आई है और न ही निर्माताओं की तरफ से अब तक उनके नाम की आधिकारिक पुष्टि की गई है। भूल भुलैया 3 का बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेन से मुकाबला है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है, इसके बारे में न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। हॉरर कॉमेडी फिल्म को बड़े संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सी टू ने टिकट खिड़की पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद दर्शकों को और एक फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म भूल भुलैया 3 की। भूल भुलैया 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद इसके तीसरे भाग का लंबे समय से इंतज़ार है। अनीस भजमी के निर्देशक में बनी यह फिल्म दिवाली पर सिनेमाघर में दस्तक देने वाली है, लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। फिल्म के टीज़र को मिले अपार समर्थन के बाद अब निर्माताओं ने भूल भुलैया 3 का
ट्रेलर जारी करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के ट्रेलर को 6 अक्टूबर को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यह ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया तो ओपनिंग डे पर भूलभुलैया 3 कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। फिल्म की टारकास्ट की बात करें तो इसमें कार्तिक आर्यन के अलावा तृप्ति डिमरी, विद्या बालन भी है। कयास लग रहा है कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित भी है। हालांकि न तो वह टीजर में नज़र आई है और न ही निर्माता की तरफ से अब तक उनके नाम की आधिकारिक पुष्टि की गई है। भूलभुलैया 3 का बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेंस्ट से मुकाबला है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हॉरर कॉमेडी फिल्म भूलभुलैया 3 का ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है। इसके बारे में न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। हॉरर कॉमेडी फिल्म को बड़े संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म C2 ने टिकट खिड़की पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद दर्शकों को और एक फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म भूलभुलैया 3 की। भूलभुलैया 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद इसके तीसरे भाग का लंबे समय से इंतज़ार है। अनीस भजमी के निर्देशक में बनी यह फिल्म दिवाली पर सिनेमाघर में दस्तक देने वाली है। लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। फिल्म के टीजर को मिले अपार समर्थन के बाद अब निर्माताओं ने भूलभुलैया 3 का ट्रेलर जारी करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के ट्रेलर को 6 अक्टूबर को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यह ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया तो ओपनिंग डे पर भूलभुलैया 3 कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। फिल्म की टारकास्ट की बात करें तो इसमें कार्तिक आर्यन के अलावा तृप्ति डिमरी, विद्या बालन भी है। कयास लग रहा है कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित भी है। हालांकि न तो वह टीजर में नज़र आई है और न ही निर्माता की तरफ से अब तक उनके नाम की आधिकारिक पुष्टि की गई है। भूलभुलैया 3 का बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेंस्ट से मुकाबला है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हॉरर कॉमेडी फिल्म भूलभुलैया 3 का ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है। इसके बारे में न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। हॉरर कॉमेडी फिल्म को बड़े संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म C2 ने टिकट खिड़की पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद दर्शकों को और एक फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म भूलभुलैया 3 की। भूलभुलैया 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद इसके तीसरे भाग का लंबे समय से इंतज़ार है। अनीस भजमी के निर्देशक में बनी यह फिल्म दिवाली पर सिनेमाघर में दस्तक देने वाली है। लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। फिल्म के टीजर को मिले अपार समर्थन के बाद अब निर्माताओं ने भूलभुलैया 3 का ट्रेलर जारी करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के ट्रेलर को 6 अक्टूबर को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यह ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया तो ओपनिंग डे पर भूलभुलैया 3 कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। फिल्म की टारकास्ट की बात करें तो इसमें कार्तिक आर्यन के अलावा तृप्ति डिमरी, विद्या बालन भी है। कयास लग रहा है कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित भी है। हालांकि न तो वह टीजर में नज़र आई है और न ही निर्माता की तरफ से अब तक उनके नाम की आधिकारिक पुष्टि की गई है। भूलभुलैया 3 का बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेंस्ट से मुकाबला है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हॉरर कॉमेडी फिल्म भूलभुलैया 3 का ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है।
इसके बारे में न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। हॉरर कॉमेडी फिल्म को बड़े संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सी टू ने टिकट खिड़की पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद दर्शकों को और एक फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म भूल भुलैया 3 की। भूल भुलैया 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद इसके तीसरे भाग का लंबे समय से इंतज़ार है। अनीस भजमी के निर्देशक में बनी यह फिल्म दिवाली पर सिनेमाघर में दस्तक देने वाली है, लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। फिल्म के टीजर को मिले अपार समर्थन के बाद अब निर्माताओं ने भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जारी करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के ट्रेलर को 6 अक्टूबर को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यह ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया तो ओपनिंग डे पर भूल भुलैया 3 कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। फिल्म की टारकास्ट की बात करें तो इसमें कार्तिक आर्यन के अलावा तृप्ति डिमरी, विद्या बालन भी है। कयास लग रहा है कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित भी है। हालांकि न तो वह टीजर में नज़र आई है और न ही निर्माता की तरफ से अब तक उनके नाम की आधिकारिक पुष्टि की गई है। भूल भुलैया 3 का बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेन से मुकाबला है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है, इसके बारे में न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। हॉरर कॉमेडी फिल्म को बड़े संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सी टू ने टिकट खिड़की पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद दर्शकों को और एक फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म भूल भुलैया 3 की। भूल भुलैया 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद इसके तीसरे भाग का लंबे समय से इंतज़ार है। अनीस भजमी के निर्देशक में बनी यह फिल्म दिवाली पर सिनेमाघर में दस्तक देने वाली है, लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। फिल्म के टीजर को मिले अपार समर्थन के बाद अब निर्माताओं ने भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जारी करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के ट्रेलर को 6 अक्टूबर को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यह ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया तो ओपनिंग डे पर भूल भुलैया 3 कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। फिल्म की टारकास्ट की बात करें तो इसमें कार्तिक आर्यन के अलावा तृप्ति डिमरी, विद्या बालन भी है। कयास लग रहा है कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित भी है। हालांकि न तो वह टीजर में नज़र आई है और न ही निर्माता की तरफ से अब तक उनके नाम की आधिकारिक पुष्टि की गई है। भूल भुलैया 3 का बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेन से मुकाबला है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है, इसके बारे में न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। हॉरर कॉमेडी फिल्म को बड़े संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सी टू ने टिकट खिड़की पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद दर्शकों को और एक फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म भूल भुलैया 3 की। भूल भुलैया 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद इसके तीसरे भाग का लंबे समय से इंतज़ार है। अनीस भजमी के निर्देशक में बनी यह फिल्म दिवाली पर सिनेमाघर में दस्तक देने वाली है, लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। फिल्म के टीजर को मिले अपार समर्थन के बाद अब निर्माताओं ने भूल भुलैया 3 का
ट्रेलर जारी करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के ट्रेलर को 6 अक्टूबर को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यह ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया तो ओपनिंग डे पर भूलभुलैया 3 कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। फिल्म की टारकास्ट की बात करें तो इसमें कार्तिक आर्यन के अलावा तृप्ति डिमरी, विद्या बालन भी है। कयास लग रहा है कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित भी है। हालांकि न तो वह टीजर में नज़र आई है और न ही निर्माताओं की तरफ से अब तक उनके नाम की आधिकारिक पुष्टि की गई है। भूलभुलैया 3 का बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेन से मुकाबला है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हॉरर कॉमेडी फिल्म भूलभुलैया 3 का ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है। इसके बारे में न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। हॉरर कॉमेडी फिल्म को बड़े संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं। हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म C2 ने टिकट खिड़की पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद दर्शकों को और एक फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म भूलभुलैया 3 की। भूलभुलैया 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद इसके तीसरे भाग का लंबे समय से इंतज़ार है। अनीस भजमी के निर्देशक में बनी यह फिल्म दिवाली पर सिनेमाघर में दस्तक देने वाली है। लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। फिल्म के टीजर को मिले अपार समर्थन के बाद अब निर्माताओं ने भूलभुलैया 3 का ट्रेलर जारी करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के ट्रेलर को 6 अक्टूबर को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यह ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया तो ओपनिंग डे पर भूलभुलैया 3 कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। फिल्म की टारकास्ट की बात करें तो इसमें कार्तिक आर्यन के अलावा तृप्ति डिमरी, विद्या बालन भी है। कयास लग रहा है कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित भी है। हालांकि न तो वह टीजर में नज़र आई है और न ही निर्माताओं की तरफ से अब तक उनके नाम की आधिकारिक पुष्टि की गई है। भूलभुलैया 3 का बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेन से मुकाबला है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हॉरर कॉमेडी फिल्म भूलभुलैया 3 का ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है। इसके बारे में न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। हॉरर कॉमेडी फिल्म को बड़े संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं। हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म C2 ने टिकट खिड़की पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद दर्शकों को और एक फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म भूलभुलैया 3 की। भूलभुलैया 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद इसके तीसरे भाग का लंबे समय से इंतज़ार है। अनीस भजमी के निर्देशक में बनी यह फिल्म दिवाली पर सिनेमाघर में दस्तक देने वाली है। लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। फिल्म के टीजर को मिले अपार समर्थन के बाद अब निर्माताओं ने भूलभुलैया 3 का ट्रेलर जारी करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के ट्रेलर को 6 अक्टूबर को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यह ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया तो ओपनिंग डे पर भूलभुलैया 3 कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। फिल्म की टारकास्ट की बात करें तो इसमें कार्तिक आर्यन के अलावा तृप्ति डिमरी, विद्या बालन भी है। कयास लग रहा है कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित भी है। हालांकि न तो वह टीजर में नज़र आई है और न ही निर्माताओं की तरफ से अब तक उनके नाम की आधिकारिक पुष्टि की गई है। भूलभुलैया 3 का बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेन से मुकाबला है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हॉरर कॉमेडी फिल्म भूलभुलैया 3 का ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है।
इसके बारे में न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। हॉरर कॉमेडी फिल्म को बड़े संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सी टू ने टिकट खिड़की पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद दर्शकों को और एक फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म भूल भुलैया 3 की। भूल भुलैया 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद इसके तीसरे भाग का लंबे समय से इंतज़ार है। अनीस भजमी के निर्देशक में बनी यह फिल्म दिवाली पर सिनेमाघर में दस्तक देने वाली है, लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। फिल्म के टीजर को मिले अपार समर्थन के बाद अब निर्माताओं ने भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जारी करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के ट्रेलर को 6 अक्टूबर को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यह ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया तो ओपनिंग डे पर भूल भुलैया 3 कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। फिल्म की टारकास्ट की बात करें तो इसमें कार्तिक आर्यन के अलावा तृप्ति डिमरी, विद्या बालन भी है। कयास लग रहा है कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित भी है, हालांकि न तो वह टीजर में नज़र आई है और न ही निर्माताओं की तरफ से अब तक उनके नाम की आधिकारिक पुष्टि की गई है। भूल भुलैया 3 का बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेन से मुकाबला है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है, इसके बारे में न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। हॉरर कॉमेडी फिल्म को बड़े संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सी टू ने टिकट खिड़की पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद दर्शकों को और एक फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म भूल भुलैया 3 की। भूल भुलैया 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद इसके तीसरे भाग का लंबे समय से इंतज़ार है। अनीस भजमी के निर्देशक में बनी यह फिल्म दिवाली पर सिनेमाघर में दस्तक देने वाली है, लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। फिल्म के टीजर को मिले अपार समर्थन के बाद अब निर्माताओं ने भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जारी करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के ट्रेलर को 6 अक्टूबर को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यह ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया तो ओपनिंग डे पर भूल भुलैया 3 कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। फिल्म की टारकास्ट की बात करें तो इसमें कार्तिक आर्यन के अलावा तृप्ति डिमरी, विद्या बालन भी है। कयास लग रहा है कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित भी है, हालांकि न तो वह टीजर में नज़र आई है और न ही निर्माताओं की तरफ से अब तक उनके नाम की आधिकारिक पुष्टि की गई है। भूल भुलैया 3 का बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेन से मुकाबला है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है, इसके बारे में न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। हॉरर कॉमेडी फिल्म को बड़े संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सी टू ने टिकट खिड़की पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद दर्शकों को और एक फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म भूल भुलैया 3 की। भूल भुलैया 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद इसके तीसरे भाग का लंबे समय से इंतज़ार है। अनीस भजमी के निर्देशक में बनी यह फिल्म दिवाली पर सिनेमाघर में दस्तक देने वाली है, लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। फिल्म के टीजर को मिले अपार समर्थन के बाद अब निर्माताओं ने भूल भुलैया 3 का
ट्रेलर जारी करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के ट्रेलर को 6 अक्टूबर को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यह ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया तो ओपनिंग डे पर भूलभुलैया 3 कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। फिल्म की टारकास्ट की बात करें तो इसमें कार्तिक आर्यन के अलावा तृप्ति डिमरी, विद्या बालन भी है। कयास लग रहा है कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित भी है। हालांकि न तो वह टीजर में नज़र आई है और न ही निर्माताओं की तरफ से अब तक उनके नाम की आधिकारिक पुष्टि की गई है। भूलभुलैया 3 का बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेंस्ट से मुकाबला है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हॉरर कॉमेडी फिल्म भूलभुलैया 3 का ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है। इसके बारे में न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। हॉरर कॉमेडी फिल्म को बड़े संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म C2 ने टिकट खिड़की पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद दर्शकों को और एक फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म भूलभुलैया 3 की। भूलभुलैया 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद इसके तीसरे भाग का लंबे समय से इंतज़ार है। अनीस भजमी के निर्देशक में बनी यह फिल्म दिवाली पर सिनेमाघर में दस्तक देने वाली है। लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। फिल्म के टीजर को मिले अपार समर्थन के बाद अब निर्माताओं ने भूलभुलैया 3 का ट्रेलर जारी करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के ट्रेलर को 6 अक्टूबर को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यह ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया तो ओपनिंग डे पर भूलभुलैया 3 कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। फिल्म की टारकास्ट की बात करें तो इसमें कार्तिक आर्यन के अलावा तृप्ति डिमरी, विद्या बालन भी है। कयास लग रहा है कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित भी है। हालांकि न तो वह टीजर में नज़र आई है और न ही निर्माताओं की तरफ से अब तक उनके नाम की आधिकारिक पुष्टि की गई है। भूलभुलैया 3 का बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेंस्ट से मुकाबला है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हॉरर कॉमेडी फिल्म भूलभुलैया 3 का ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है। इसके बारे में न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। हॉरर कॉमेडी फिल्म को बड़े संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म C2 ने टिकट खिड़की पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद दर्शकों को और एक फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म भूलभुलैया 3 की। भूलभुलैया 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद इसके तीसरे भाग का लंबे समय से इंतज़ार है। अनीस भजमी के निर्देशक में बनी यह फिल्म दिवाली पर सिनेमाघर में दस्तक देने वाली है। लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। फिल्म के टीजर को मिले अपार समर्थन के बाद अब निर्माताओं ने भूलभुलैया 3 का ट्रेलर जारी करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के ट्रेलर को 6 अक्टूबर को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यह ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया तो ओपनिंग डे पर भूलभुलैया 3 कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। फिल्म की टारकास्ट की बात करें तो इसमें कार्तिक आर्यन के अलावा तृप्ति डिमरी, विद्या बालन भी है। कयास लग रहा है कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित भी है। हालांकि न तो वह टीजर में नज़र आई है और न ही निर्माताओं की तरफ से अब तक उनके नाम की आधिकारिक पुष्टि की गई है। भूलभुलैया 3 का बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेंस्ट से मुकाबला है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हॉरर कॉमेडी फिल्म भूलभुलैया 3 का ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है।
इसके बारे में न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। हॉरर कॉमेडी फिल्म को बड़े संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सी टू ने टिकट खिड़की पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद दर्शकों को और एक फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म भूल भुलैया 3 की। भूल भुलैया 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद इसके तीसरे भाग का लंबे समय से इंतज़ार है। अनीस भजमी के निर्देशक में बनी यह फिल्म दिवाली पर सिनेमाघर में दस्तक देने वाली है, लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। फिल्म के टीजर को मिले अपार समर्थन के बाद अब निर्माताओं ने भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जारी करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के ट्रेलर को 6 अक्टूबर को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यह ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया तो ओपनिंग डे पर भूल भुलैया 3 कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। फिल्म की टारकास्ट की बात करें तो इसमें कार्तिक आर्यन के अलावा तृप्ति डिमरी, विद्या बालन भी है। कयास लग रहा है कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित भी है। हालांकि न तो वह टीजर में नज़र आई है और न ही निर्माताओं की तरफ से अब तक उनके नाम की आधिकारिक पुष्टि की गई है। भूल भुलैया 3 का बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेन से मुकाबला है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है, इसके बारे में न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। हॉरर कॉमेडी फिल्म को बड़े संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सी टू ने टिकट खिड़की पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद दर्शकों को और एक फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म भूल भुलैया 3 की। भूल भुलैया 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद इसके तीसरे भाग का लंबे समय से इंतज़ार है। अनीस भजमी के निर्देशक में बनी यह फिल्म दिवाली पर सिनेमाघर में दस्तक देने वाली है, लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। फिल्म के टीजर को मिले अपार समर्थन के बाद अब निर्माताओं ने भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जारी करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के ट्रेलर को 6 अक्टूबर को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यह ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया तो ओपनिंग डे पर भूल भुलैया 3 कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। फिल्म की टारकास्ट की बात करें तो इसमें कार्तिक आर्यन के अलावा तृप्ति डिमरी, विद्या बालन भी है। कयास लग रहा है कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित भी है। हालांकि न तो वह टीजर में नज़र आई है और न ही निर्माताओं की तरफ से अब तक उनके नाम की आधिकारिक पुष्टि की गई है। भूल भुलैया 3 का बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेन से मुकाबला है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है, इसके बारे में न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। हॉरर कॉमेडी फिल्म को बड़े संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सी टू ने टिकट खिड़की पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद दर्शकों को और एक फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म भूल भुलैया 3 की। भूल भुलैया 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद इसके तीसरे भाग का लंबे समय से इंतज़ार है। अनीस भजमी के निर्देशक में बनी यह फिल्म दिवाली पर सिनेमाघर में दस्तक देने वाली है, लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। फिल्म के टीजर को मिले अपार समर्थन के बाद अब निर्माताओं ने भूल भुलैया 3 का
ट्रेलर जारी करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के ट्रेलर को 6 अक्टूबर को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यह ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया तो ओपनिंग डे पर भूलभुलैया 3 कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। फिल्म की टारकास्ट की बात करें तो इसमें कार्तिक आर्यन के अलावा तृप्ति डिमरी, विद्या बालन भी है। कयास लग रहा है कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित भी है। हालांकि न तो वह टीजर में नज़र आई है और न ही निर्माता की तरफ से अब तक उनके नाम की आधिकारिक पुष्टि की गई है। भूलभुलैया 3 का बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेंस्ट से मुकाबला है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हॉरर कॉमेडी फिल्म भूलभुलैया 3 का ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है। इसके बारे में न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। हॉरर कॉमेडी फिल्म को बड़े संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सी 2 ने टिकट खिड़की पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद दर्शकों को और एक फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म भूलभुलैया 3 की। भूलभुलैया 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद इसके तीसरे भाग का लंबे समय से इंतज़ार है। अनीस भजमी के निर्देशक में बनी यह फिल्म दिवाली पर सिनेमाघर में दस्तक देने वाली है। लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। फिल्म के टीजर को मिले अपार समर्थन के बाद अब निर्माताओं ने भूलभुलैया 3 का ट्रेलर जारी करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के ट्रेलर को 6 अक्टूबर को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यह ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया तो ओपनिंग डे पर भूलभुलैया 3 कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। फिल्म की टारकास्ट की बात करें तो इसमें कार्तिक आर्यन के अलावा तृप्ति डिमरी, विद्या बालन भी है। कयास लग रहा है कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित भी है। हालांकि न तो वह टीजर में नज़र आई है और न ही निर्माता की तरफ से अब तक उनके नाम की आधिकारिक पुष्टि की गई है। भूलभुलैया 3 का बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेंस्ट से मुकाबला है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हॉरर कॉमेडी फिल्म भूलभुलैया 3 का ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है। इसके बारे में न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। हॉरर कॉमेडी फिल्म को बड़े संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सी 2 ने टिकट खिड़की पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद दर्शकों को और एक फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म भूलभुलैया 3 की। भूलभुलैया 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद इसके तीसरे भाग का लंबे समय से इंतज़ार है। अनीस भजमी के निर्देशक में बनी यह फिल्म दिवाली पर सिनेमाघर में दस्तक देने वाली है। लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। फिल्म के टीजर को मिले अपार समर्थन के बाद अब निर्माताओं ने भूलभुलैया 3 का ट्रेलर जारी करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के ट्रेलर को 6 अक्टूबर को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यह ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया तो ओपनिंग डे पर भूलभुलैया 3 कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। फिल्म की टारकास्ट की बात करें तो इसमें कार्तिक आर्यन के अलावा तृप्ति डिमरी, विद्या बालन भी है। कयास लग रहा है कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित भी है। हालांकि न तो वह टीजर में नज़र आई है और न ही निर्माता की तरफ से अब तक उनके नाम की आधिकारिक पुष्टि की गई है। भूलभुलैया 3 का बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेंस्ट से मुकाबला है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हॉरर कॉमेडी फिल्म भूलभुलैया 3 का ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है।
इसके बारे में न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। हॉरर कॉमेडी फिल्म को बड़े संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सी टू ने टिकट खिड़की पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद दर्शकों को और एक फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म भूल भुलैया 3 की। भूल भुलैया 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद इसके तीसरे भाग का लंबे समय से इंतज़ार है। अनीस भजमी के निर्देशक में बनी यह फिल्म दिवाली पर सिनेमाघर में दस्तक देने वाली है, लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। फिल्म के टीजर को मिले अपार समर्थन के बाद अब निर्माताओं ने भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जारी करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के ट्रेलर को 6 अक्टूबर को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यह ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया तो ओपनिंग डे पर भूल भुलैया 3 कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। फिल्म की टारकास्ट की बात करें तो इसमें कार्तिक आर्यन के अलावा तृप्ति डिमरी, विद्या बालन भी है। कयास लग रहा है कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित भी है। हालांकि न तो वह टीजर में नज़र आई है और न ही निर्माताओं की तरफ से अब तक उनके नाम की आधिकारिक पुष्टि की गई है। भूल भुलैया 3 का बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेन से मुकाबला है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है, इसके बारे में न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। हॉरर कॉमेडी फिल्म को बड़े संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सी टू ने टिकट खिड़की पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद दर्शकों को और एक फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म भूल भुलैया 3 की। भूल भुलैया 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद इसके तीसरे भाग का लंबे समय से इंतज़ार है। अनीस भजमी के निर्देशक में बनी यह फिल्म दिवाली पर सिनेमाघर में दस्तक देने वाली है, लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। फिल्म के टीजर को मिले अपार समर्थन के बाद अब निर्माताओं ने भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जारी करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के ट्रेलर को 6 अक्टूबर को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यह ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया तो ओपनिंग डे पर भूल भुलैया 3 कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। फिल्म की टारकास्ट की बात करें तो इसमें कार्तिक आर्यन के अलावा तृप्ति डिमरी, विद्या बालन भी है। कयास लग रहा है कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित भी है। हालांकि न तो वह टीजर में नज़र आई है और न ही निर्माताओं की तरफ से अब तक उनके नाम की आधिकारिक पुष्टि की गई है। भूल भुलैया 3 का बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेन से मुकाबला है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है, इसके बारे में न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। हॉरर कॉमेडी फिल्म को बड़े संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सी टू ने टिकट खिड़की पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद दर्शकों को और एक फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म भूल भुलैया 3 की। भूल भुलैया 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद इसके तीसरे भाग का लंबे समय से इंतज़ार है। अनीस भजमी के निर्देशक में बनी यह फिल्म दिवाली पर सिनेमाघर में दस्तक देने वाली है, लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। फिल्म के टीजर को मिले अपार समर्थन के बाद अब निर्माताओं ने भूल भुलैया 3 का
ट्रेलर जारी करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के ट्रेलर को 6 अक्टूबर को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यह ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया तो ओपनिंग डे पर भूलभुलैया 3 कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। फिल्म की टारकास्ट की बात करें तो इसमें कार्तिक आर्यन के अलावा तृप्ति डिमरी, विद्या बालन भी है। कयास लग रहा है कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित भी है। हालांकि न तो वह टीजर में नज़र आई है और न ही निर्माताओं की तरफ से अब तक उनके नाम की आधिकारिक पुष्टि की गई है। भूलभुलैया 3 का बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेन से मुकाबला है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हॉरर कॉमेडी फिल्म भूलभुलैया 3 का ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है। इसके बारे में न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। हॉरर कॉमेडी फिल्म को बड़े संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं। हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म सी 2 ने टिकट खिड़की पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद दर्शकों को और एक फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म भूलभुलैया 3 की। भूलभुलैया 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद इसके तीसरे भाग का लंबे समय से इंतज़ार है। अनीस भजमी के निर्देशक में बनी यह फिल्म दिवाली पर सिनेमाघर में दस्तक देने वाली है। लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। फिल्म के टीजर को मिले अपार समर्थन के बाद अब निर्माताओं ने भूलभुलैया 3 का ट्रेलर जारी करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के ट्रेलर को 6 अक्टूबर को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यह ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया तो ओपनिंग डे पर भूलभुलैया 3 कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। फिल्म की टारकास्ट की बात करें तो इसमें कार्तिक आर्यन के अलावा तृप्ति डिमरी, विद्या बालन भी है। कयास लग रहा है कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित भी है। हालांकि न तो वह टीजर में नज़र आई है और न ही निर्माताओं की तरफ से अब तक उनके नाम की आधिकारिक पुष्टि की गई है। भूलभुलैया 3 का बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेन से मुकाबला है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हॉरर कॉमेडी फिल्म भूलभुलैया 3 का ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है। इसके बारे में न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। हॉरर कॉमेडी फिल्म को बड़े संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं। हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म सी 2 ने टिकट खिड़की पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद दर्शकों को और एक फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक आर्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म भूलभुलैया 3 की। भूलभुलैया 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद इसके तीसरे भाग का लंबे समय से इंतज़ार है। अनीस भजमी के निर्देशक में बनी यह फिल्म दिवाली पर सिनेमाघर में दस्तक देने वाली है। लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी